तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आज आपको बताने वाले हैं, हमारे पास इस वक्त जो बाइक है वो है हीरो की स्प्लेंडर VS6 बाइक। तो इसका क्लच पल्ला हमको पहले सर्विस पर ओपन करना पड़ रहा है, तो इसकी वजह क्या है गाइस, तो इस वीडियो में आपको बताएंगे कि इसकी क्या प्रॉब्लम है जिस वजह से मुझे इस क्लच पल्ला को ओपन करना पड़ा। और हमारी पहली सर्विस है, फर्स्ट सर्विस पर हमको क्लच पल्ला खोलना पड़ा, तो ऐसी क्या हमारे पास ऐसी दिक्कत आई इस बाइक में जो इसका क्लच पल्ला ओपन करना पड़ा। तो दोस्तों, इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। आप भी अगर हीरो की नई स्प्लेंडर बाइक ख़रीदे हैं तो आपको अगर फर्स्ट सर्विस पर क्लच पल्ला खुलवाना पड़ रहा है तो खुलवा लीजिए, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आता है। बस इसकी वजह क्या होती है, जो इसके फिल्टर होता है, रूटर फिल्टर, रूटर में जो एक छोटा सा छेद होता है हल्का, वो हमारा ऑयल जो है पूरे इंजन के अंदर सर्कुलेशन करता है, इसी की वजह से हम उसमें आ जाते हैं कचरा। इसी वजह से इसका पल्ला को जो हम खोलते हैं उसके बाद फिर उसको साफ़ करते हैं। तो दोस्तों, आइए आपको दिखाते हैं वीडियो में। तो उसके लिए सबसे पहले हमको जो होगा ये फूटेस वाला ये ऑयल फिल्टर की जाली निकालनी पड़ेगी। देखिए दोस्तों, इसमें कितना कचरा है, आप ही देखिए। हम खोलते हैं इसको। अब इसका हम ये जो रोटर फिल्टर का चार पेच लगा हुआ है इसको खोलेंगे, फिर आपको इसके अंदर दिखाएंगे कि कितनी गंदगी है। तो देखिए दोस्तों, इसके अंदर जो ये पैकिंग लगी है इसको हटाएंगे, उसके बाद आपको दिखाएंगे हाथ पे लेके कचड़े को। देखिए नीचे जूम करके आपको दिखा रहे हैं, रोटर में काफ़ी गंदगी थी, हमने सफ़ा कर दी। वीडियो लंबा ना हो इसी की वजह से हमने थोड़ा आपको सफाई करते नहीं दिखाया है, लेकिन आप इसको पेट्रोल से साफ़ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद उसको अच्छी तरह से आप टाइट कर दीजिए, उसी तरह जैसे कि पहले टाइट था। इसकी क्लच पैकिंग जो होगी वो नई डालना पड़ेगा, पुरानी नहीं लगाना है दोस्तों। क्योंकि पुरानी लगाने में बात ये होती है, पैकिंग तो सही होती है पर फट जाती है, कहीं ना कहीं टूट जाती है, तो उससे प्रॉब्लम आ सकती है, आयल आ सकता है। फिर से उसी तरह से हम पल्ले को सेट कर देंगे, क्लच पल्ले को। देखिए हमारे 8 नंबर बोल्ट जो हैं इनको हम टाइट करेंगे। और होता है क्या दोस्तों, पहली सर्विस पे बस केवल ऑयल को चेंज करते हैं, बस कोई बड़ी बात नहीं।